हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं, द वर्क ऑब्टेन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट दैट पॉइंट। ठीक है, जैसा यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, जैसा हम एक फिगर पहले ड्रा करते हैं। ठीक है, जैसा हम देखें, यहाँ पर कहा गया कि हमारे पास यह कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कोई सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हम कहें अर्थ है, सन है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसिडर कर लिए एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब कोई ऑब्जेक्ट हो जो कि इन्फिनिटी पर हो, क्या हो, इन्फिनिटी पर। ठीक है, इसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल एम है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है, और यही ऑब्जेक्ट जो है ये फील्ड को प्रोड्यूस कर रखा है। अरे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा कहाँ से? अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इसका मीनिंग है कोई ना कोई सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स होगा। विदाउट सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल फील्ड तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया जो फील्ड है इस एम का है, जिसका मास एम है, और ये ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पर है, जिसका मास हमारे पास क्या है, एम है, स्मॉल एम। ठीक है, क्या कह रहा है, वर्क ऑब्टेंड, यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पर कहा गया है कि इस केस के लिए क्या कहा गया कि वर्क ऑब्टेंड इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, मीन्स इस ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से मान लेते हैं इस पॉइंट पर, पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पी पर लाने के लिए जो वर्क डन हमको ऑब्टेंड होगा, ध्यान रहे ये डब्ल्यू जो दिख रहा है, ये वर्क ऑब्टेंड होगा, इसी वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज एज्यूम्ड टू बी जीरो। हम लोग क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी पर जीरो है। ठीक ना, बिकॉज यहाँ पर जो हमें केस मिलता है वो क्या होता है, वर्क हमें ऑब्टेंड होता है। एक्चुअल में होता क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पर ले जाएं तो हमें वर्क करना पड़ता है, और इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए वर्क जो होता है वो हमको ऑब्टेंड होता है, वो वर्क मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, भी ध्यान रहे, वो निगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि हमें वर्क मिल रहा है। जब वर्क करते हैं तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन बाई एजेंट ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव होगा, और वर्क डन ऑन द एजेंट बाय द सिस्टम वो निगेटिव हो जाता है। यानी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, निगेटिव वर्क डन मिलने वाला है। ठीक ना, अभी जो फार्मूला हम देखेंगे, क्यों, क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं कि ये वर्क डन हमको करना नहीं होता है, मिलता है। ठीक ना, तो इस ऑब्जेक्ट को जो इन्फिनिटी पर है वहाँ से हम क्या करेंगे, इस फील्ड पर लाएंगे तो वर्क हमें मिलेगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी। हेंस वी कैन से दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज निगेटिव। क्या होते हैं, ऑलवेज निगेटिव होते हैं, क्योंकि ये वर्क डन हमको मिलते हैं। ठीक ना, तब यहाँ पर क्या होगा, जो हम W की बात कर रहे हैं तो होगा क्या, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, और कैपिटल यू हमने क्या कहा, यही है वर्क डन के इक्वल, ये W हो जाएगा, और ये क्या है, इन्फिनिटी टू R, यानी हम क्या करें, मान लेते हैं इसे सेंटर से जो डिस्टेंस है R डिस्टेंस पर है। ठीक ना, तो इन्फिनिटी टू R पर लाने के लिए जो वर्क डन हमको ऑब्टेंड हो गए, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब जो देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स वर्क कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर मिलेगा। ये फार्मूला हमारे पास क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो वैल्यू है ना। तो अब क्या करेंगे, हमने क्या कहा, वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन क्या मिलेगा, अगर फोर्स इतना है तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी आर मिल जाएगा, मिल जाएगा, या डी डब्ल्यू की वैल्यू जो मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी एफ की वैल्यू क्या है, तो जी एम एम अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, हमने फोर्स वैल्यू को पुट कर दिया। अब क्या करें, होल वर्क डन यानी इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पर लाने के लिए जो होल वर्क डन मिलेगा, या टोटल वर्क डन जो हमको मिलेगा, टोटल वर्क डन ये किससे इक्वल हो जाएगा, तो W हो जाएगा, ये इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल कहाँ से होगा, अभी हमने देखा कहाँ से, इन्फिनिटी से आर पी, कहाँ से ला रहे, इन्फिनिटी से आर पे ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर पे लाएंगे तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा, अपर आर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारे पास, जी एम एम अपान आर स्क्वायर डी आर। हम ये देख रहे हैं ये टर्म जो है जी एम एम
ये इंटीग्रेट नहीं होंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पर हम पाएंगे W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो W इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा जी एम, एम बाहर हो गया, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर, और ये मिल जाएगा वन अपान आर स्क्वायर डी आर, नहीं मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जैसा हम कल भी इसके बारे में इंटीग्रेशन किए थे और हम जानते हैं इंटीग्रल जो होता है वन अपान आर स्क्वायर डी आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं आर टू पावर माइनस टू डी आर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आर पावर माइनस वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, तो यानी इसे हम लिख सकते हैं माइनस वन अपान आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जो मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं देयर फोर डब्ल्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर मिल जाएगा, ठीक ना। ये क्या मिल गया, ये हमको वर्क डन के बराबर मिल गया। और ये जो वर्क डन है अभी हमने यहाँ पर दिखाया, ऊपर प्रूव किया, बताया क्या कि जो यू है यही यू क्या है, यह जो यू है वर्क डन के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने वर्क डन तो फाइंड आउट किया, तो हम हिंस क्या कर सकते हैं, हिंस जो हमको मिलेगा क्या, यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस जी एम एम अपॉन आर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या मिल गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, हमने भी जो स्टडी किया ये किसके लिए स्टडी किया, तो ये स्टडी हमने यूनिवर्सल किया, यानी सभी ऑब्जेक्ट जितने भी सेलेशियल ऑब्जेक्ट है सबके लिए स्टडी किया। अब हम क्या करें, अर्थ के लिए स्टडी करें, ठीक ना। अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, अब जरा देखें। अब इस केस के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर ये हम कंसिडर कर लें यह अर्थ है, ठीक ना, ये हम अर्थ ले लेते हैं यहाँ पर, ये अगर अर्थ है तो यहाँ पर जरा देखें, ये हम क्या केस ले रहे हैं, ये हम केस ले रहे हैं इन्फिनिटी का, क्या इन्फिनिटी का, ये अर्थ सरफेस है, ये रेडियस आर हो जाएगा, ठीक ना, और ये डिस्टेंस हमारे पास जो मिल जाएगा ये सेंटर वो मिल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा हम कंसिडर कर लेते हैं एट एनी पोजीशन, ये डिस्टेंस जो है एक्स है कहाँ से, ये हमारा ओरिजिन से, यानी ओरिजिन मीन सेंटर से। और यहाँ पर जो छोटी सी वैल्यू हम ले लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो हम ले लेते हैं ये छोटी सी वैल्यू डी एक्स, कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसको पॉइंट हम सी ले लेते हैं, इसको पॉइंट बी लेते हैं, और इसको हम पॉइंट ए ले लेते हैं, जो ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया, ये हमारा ओ ए है जो अर्थ का रेडियस है, ठीक ना, ये हमारे पास जो ओ से बी है ये एक्स है, और बी से जो सी है ये डी एक्स है, क्या है डी एक्स है। तो अब जरा देखें इसके बारे में, अब यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाएंगे, ठीक ना, तो वहाँ पर जैसा हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, तो जी एम एम अपान आर ई स्क्वायर, ध्यान रहे अगर आर ई स्क्वायर करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमें मानना पड़ेगा वह ए पर है, लेकिन अब हम कंसिडर करें पॉइंट बी पर है, तो वहाँ पर क्या कर देंगे हम आर को हटा करके एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना, हमने कंसिडर कर लिया वो कहाँ है पॉइंट बी पर, यानी डिस्टेंस एक्स पर है, ठीक। तो जो वर्क डन होगा हमारे लिए, स्मॉल वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है डी एक्स, तो इस केस के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे या कहें अब देयर फोर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फाइंड आउट अगर करना हम चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू इक्वल टू जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, क्या मिलेगा इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स। और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से ले जा रहे हैं, तो जरा देखें हम ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं कहाँ से, अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी पर, तो अर्थ के सरफेस से ले जाएंगे तो रेडियस हमारे पास आर ई हो जाएगा इनिशियल, और फाइनल हो जाएगा इन्फिनिटी। अब वैल्यू जरा पुट कर दें तो आर ई टू इन्फिनिटी, और एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो यह है जी एम ई एम अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखें जो टर्म यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं होंगे उन्हें हम बाहर कर दें, तो कौन से टर्म है जी एम ई एम, और ये मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ आर ई टू इन्फिनिटी वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या मिल जाएगा। अब इसको जब देखें वन अपान एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा माइनस एक्स मिल जाएगा, तो जी एम ई एम, और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस वन अपान एक्स, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मिल जाएगा जो वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम ये पाएंगे यहाँ पर मिल जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ पर मिल जाएगा आर ई मिल जाएगा। अब जरा इसको अगेन सॉल्व करें तो हम क्या पाएंगे, इसको हम ये पाएंगे वैल्यू पुट करेंगे तो जी एम ई एम, और यहाँ हो जाएगा माइनस वन अपान इन्फिनिटी प्लस वन अपान आर ई,
मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा दिस इम्प्लाई दैट W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया और वन अपान इन्फिनिटी जीरो हो जाता है और ये वन अपान आर ई मिल गया, तो W इज इक्वल टू GMEM अपान आर ई मिल जाएगा, आर ई को इक्वल मिल गया। ये हमने क्या किया, वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। कौन सा वर्क डन है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट, यहाँ पर जैसा फिगर देखें, ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ए से इन्फिनिटी पर ले जाने के लिए, ठीक ना। लेकिन हमने भी कहा कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये तो वर्क डन हमें मिलता है कहाँ से, जब हम इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पर लाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में। लेकिन हम तो क्या करें, हम अर्थ से ले जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था, तो ये था कि यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे। माइनस कैसे आया, तो हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या, कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी फील्ड में लाते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहां पर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन सिस्टम के द्वारा एजेंट पर होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वहां पर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और जब सिस्टम के पर हमारे पास वर्क होगा, ध्यान रहे, तो यहां पर हमारा नेगेटिव मिलेगा, यानी यहां पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो यहां पर हमें वैल्यू को पुट करेंगे, तो देयर फोर यू इज इक्वल टू माइनस, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, GMEM अपान आर ई मिल जाएगा। ये हमारे पास जो वैल्यू मिला है, ये क्या है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अर्थ, या कहें ऑन द अर्थ सरफेस की बात करें, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है, ये अर्थ का ही रेडियस है, तो हम कह सकते हैं अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यह वैल्यू मिलेगी, ठीक ना। एक चीज़ और देखें, इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें हम लोग, तो और भी इस फार्मूले को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कैसे, जरा देखें। सिंस वी नो दैट जी इज इक्वल टू GMEM अपान आर ई स्क्वायर होता है, तो देयर फोर GMEM इज इक्वल टू GRE स्क्वायर होगा, तो देयर फोर क्या मिलेगा, यू इज इक्वल टू माइनस, और जी एम ई के प्लेस पर रखेंगे जी आर ई स्क्वायर एम अपान आर ई, आर ई से आर ई कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इंप्लाई दैट यू इज इक्वल टू माइनस जी आर ई एम, नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास एक दूसरा फार्मूला मिलेगा, ठीक ना, या इसे हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें, आर यू इज इक्वल टू माइनस एम जी आर ई भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फार्मूला मिल गया, ठीक ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक ना। अब एक केस हम और कंसीडर करें, वो केस क्या कंसीडर करें, कंसीडर ये करें, अगर ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्या, कि अर्थ सरफेस की बात करें, लेकिन एट हाइट एच की बात करें, एट हाइट एच की बात करें, किसी भी पोजीशन पर बात करें, जैसे हम यहाँ पर मान लें, तब ये जो पॉइंट हम पी मान लें, और ये मान लेते हैं पॉइंट पी जो है ये ओरिजिन से, या हमारे पास अर्थ के सेंटर हैं, सेंटर डिस्टेंस आर हो, तब क्या होगा, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, इस पूरे डिस्टेंस को हमें क्या है, आर है, और आर इक्वल टू हमारे पास क्या है, तो आर ई प्लस एच है, यानी ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आर ई है, और ये डिस्टेंस एच है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमको मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, उसको जरा देखते हैं। तो हमें यहाँ पर यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो यू इज इक्वल टू हमें इसी फार्मूले से मिल जाएगा क्या, माइनस जी एम ई एम अपान, अब आर ई के प्लेस पे आर रख देंगे, स्मॉल आर रख देंगे, और इसी को सॉल्व करेंगे, तो माइनस जी एम ई एम अपान आर के प्लेस पे हम आर ई प्लस एच रख सकते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास एक दूसरा फार्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक ना। ये जो फार्मूला हम देख रहे हैं, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का है, कहाँ पर, एट हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक ना। हाइट एच पे अर्थ सरफेस से, ध्यान रहे, या अर्थ सरफेस से एच हाइट पर है, या कह सकते हैं आर ई प्लस एच डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर से है, ठीक ना। तो ये हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले किसके लिए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले थे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, किसके लिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पहले हमने स्टडी किया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फॉर जनरल केस, ठीक ना, जितने भी सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स होंगे, और उसके बाद हमने स्टडी किया किसके लिए, अर्थ के लिए, अर्थ सरफेस पे देखा, अर्थ से एच हाइट पर भी देखा, ठीक ना। तो आई